ये सो अनब्रेकेबल होता है, ये भी गिरेगा टूटेगा नहीं, ये सब होता है। हमारे पास टॉवल है, अच्छा लुंगी है, बेडशीट है, रुमाल। ये 30 रुपये 20 रुपये से स्टार्टिंग रेंज में शुरू होता है टिल 80 रुपीज तक चलती है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है सभी बच्चों के लिए। अगर आपके साथ बच्चे आ रहे हैं तो फुल एंजॉय कर सकते हैं भाई, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप अपनी फोटोज क्लिक करा सकते हो, वीडियोस बना सकते हो। क्या हाल चाल लंबू जी? सो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अमरजीत सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एक्सप्लोर विद अमरीक। सो जी दोस्तों, आज हम आपको लेके आए हैं गुड़गांव के सेक्टर 29 में लगे सरस आजीविका मेला को घुमाने के लिए, और इस मेले के रिलेटेड आज हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी देंगे, साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि इस मेले में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, कौन कौन से स्टॉल्स देखने को मिलते हैं, कितने फूड आइटम आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बाकी बात करी जाए सरस आजीविका मेला है क्या, यहाँ पर आपको अलग अलग स्टेट्स के सभी आइटम देखने को मिलते हैं, जैसे कि हाथों से बने कुछ हैंडलूम्स हो गए, फूड हो गए, तो सभी प्रकार के आपको यहाँ पर सारी डिटेल आज हम आपको शेयर करने वाले हैं। बाकी इस मेले की क्या लोकेशन रहेगी, क्या टाइमिंग रहेगी, क्या पार्किंग चार्जेस रहेंगे और यहाँ पर आप कैसे आ सकते हो, यानी नियर बाय मेट्रो स्टेशन कौन सा होने वाला है, सब कुछ डिटेल आपको आज शेयर करेंगे। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो चलते हैं, इस मेले को एक्सप्लोर करते हैं और आपको सारी बातें शेयर करते हैं। बात करी जाए पार्किंग की, तो पार्किंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है 2-व्हीलर एंड 4-व्हीलर के लिए। आप ये बिल्कुल स्पेस जो देख रहे हो यहाँ पर आप अपना व्हीकल खड़ा कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सरस आजीविका मेला आने के लिए सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपको इफ्को चौक का रहने वाला है, और यहीं से आपका 200 से 300 मीटर के बीच आपका ये सरस आजीविका मेला का रास्ता होगा। जैसे आप ये पोस्टर देख पा रहे हो यहाँ पर दो दीदीज की जैसे फोटोज लगी हुई है, और ये जैसे हैंडमेड कुछ आइटम सेल करते हैं, अपने हाथों से बनाते हैं, तो यहाँ से आपको ये सब कुछ देखने को मिलता है। बाकी बात करी जाए एक्सपीरियंस द जर्नी ऑफ अवर लखपति दीदीज, आप इनका एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं लखपति दीदीज का यहाँ पर। और साथ ही साथ जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 13 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक ये मेला चलने वाला है। मेले के टाइमिंग की बात करी जाए तो सुबह 11 बजे से रात के 9:30 बजे तक ये मेला चलने वाला है। सरस आजीविका मेला की लोकेशन की बात करी जाए तो लेजर वैली ग्राउंड सेक्टर 29 गुरुग्राम हरियाणा रहने वाली है। बाकी इधर की तरफ थोड़ा नजर मारेंगे तो इधर दीदी के फोटो के नीचे ही यहाँ पर लिखा हुआ है फ्री एंट्री एंड पार्किंग, अगर आप अपने व्हीकल पर आते हो तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पार्किंग में अपना व्हीकल खड़ा कर सकते हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक यहाँ पर ये पोस्टर बना के रखा गया है जिसपे सारी डिटेल दे रखी है कि कल्चर प्रोग्राम किस दिन कौन कौन से होने वाले हैं, यानी कल्चर प्रोग्राम शेड्यूल है ये सारा। फर्स्ट डे आप देख सकते हो 13 तारीख, जैसे कि ये मेला 13 तारीख से स्टार्ट हुआ है तो गणेश वंदना, राजस्थानी, मराठी, पंजाबी सिंगिंग होने वाली है फर्स्ट डे पे। सेकंड डे यानी 14 तारीख को कृष्ण वंदना, यूपी, गुजरात, कश्मीरी, पंजाबी सिंगिंग होने वाले हैं। ऐसे आप वीडियो को पॉज करके ये सारा ही चार्ट पढ़ सकते हैं फर्स्ट डे से लेके 17 डे तक, यानी 13 अक्टूबर से लेके 29 अक्टूबर तक। और ये जो कल्चर प्रोग्राम चलने वाला है शाम के 5 बजे से लेके रात के 9:30 बजे तक ये चलने वाला है। अभी हम सरस आजीविका मेला के गेट नंबर 3 पर आ चुके हैं और यहीं से आपकी एंट्री होने वाली है। तो कुछ इस तरीके से आपको आगे की तरफ बढ़ना होगा और यहीं से आपकी सिक्योरिटी चेक होगी। अगर आपके पास बैग्स वगैरह हैं तो इसका आपका सिक्योरिटी चेक कराना होगा, साथ ही साथ आपकी भी चेकिंग होगी और यहीं से एंट्री होनी है। तो आपको मैं लेके चलता हूँ आगे की तरफ कुछ, तो ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपकी यहाँ पर सिक्योरिटी चेकिंग होगी। आपके पास अगर बैग्स वगैरह हैं तो यहाँ पर आपका स्कैन होगा एक्सरे मशीन के थ्रू और यहीं से आपका बैग मिलके आप एंट्री ले सकते हैं। चेकिंग कराने के बाद अभी हम जैसे एंट्री लेके आए हैं और एंट्री लेते हैं ना, सबसे पहले यार हमें ना ये मिला है जिस पर लिखा हुआ है सरस आजीविका मेला 2024। साथ ही साथ सामने ही यहाँ पर आपका सेल्फी पॉइंट है और ये कुछ स्क्रीन दे के रखा गया आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। बाकी यहाँ पर एक ये बड़ा सा स्टॉल है, ये कुछ बता के रखा है कि पंजाब, उड़ीसा, गोवा जो स्टेट्स हैं वहाँ पर आपको आइटम देखने को मिलेंगे। बाकी ये कुछ और भी डिटेल्स हैं। साथ ही साथ इस तरफ अगर हम नज़र मारते हैं तो यहाँ पर आपका एक गाइड मैप है जहाँ पर आपको अलग अलग स्टेट्स के कौन कौन से स्टॉल्स हैं, वो किस जगह है, वो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे हम आपको बताना चाहेंगे कुछ इस तरफ आए हैं तो देखिए, जैसे ये वेस्ट बंगाल के हैं ये 20 स्टेट्स, ये राजस्थान के 18 स्टॉल्स, ये आप देख सकते हो मध्य प्रदेश के 16 स्टॉल्स, महाराष्ट्र के 15 स्टॉल्स, ये कुछ सभी स्टेट्स के आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी आपका ये सरस आजीविका मेला होने वाला है तो चलो चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं और आपको सारी डिटेल शेयर करते हैं। आप सभी का एक ही क्वेश्चन होगा कि पिछले साल के मुकाबले इस साल सरस आजीविका में क्या चेंजेस देखने को मिलता है। तो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पर ये गोवा वालों की तरफ से जैसे ये सारे स्टॉल्स एक ही समय पर एक ही जगह पर आपको देखने को मिलते हैं, ये पिछले साल नहीं था कुछ ऐसा। और इस बार आप देखोगे ना ये सारे गोवा के स्टॉल्स हैं, जैसे इस साइड आपके पंजाब के स्टॉल्स हैं, और ये कुछ 1, 2, 3 कुछ 4 से
पांच विंग्स बना के रखेंगे पंजाब वालों की तरफ से, गोवा वालों की तरफ से कुछ चार से पांच विंग्स, तो ये कुछ स्पेशल होने वाला है इस साल आप सभी के लिए। सरस आजीविका मेला में जैसे आपके साथ कोई सीनियर सिटीजन आते हैं या दिव्यांग व्यक्ति आते हैं तो इस बैटरी ऑपरेटेड कार में वो सवारी कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो ये सरस आजीविका की तरफ से बिल्कुल कार चलाई जा रही है, तो आप देख सकते हो। हेलो, कैसे हो? बढ़िया। तो भाई यहाँ पर देख सकते हो दो सबसे लंबे व्यक्ति आपको देखने को मिल जाएंगे। ये देखो भाई, ये कुछ फोटोज वगैरह क्लिक करा सकते हो इनके साथ। क्या हाल चाल लंबू जी? बहुत बढ़िया भाई, कितने प्यारे लग रहे हो भाई, देख सकते हो दोस्तों। अभी हम आ रखे हैं इनॉग्रल हॉल, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, और यहाँ पर एक ये स्टेज है, और स्टेज पर आप देख सकते हो स्क्रीन बैक साइड, और एक भाई साहब हमारे लोकल सिंगर है जो कि हमारे सुपर हिट सॉन्ग्स को बिल्कुल अपनी भाषा में अपने आवाज में गाते हुए, ये हिंदुस्तान क्या बात है, रातू मेरी जाने सारा हिंदुस्तान। भाई बहुत ही बढ़िया, हाँ फुल यहाँ पर मजा लूट सकते हो भाई ये सॉन्ग्स के। यहाँ पर ये सिटिंग एरिया बना के रखा गया है आप सभी के लिए, आप आइए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में फुल एंजॉय कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर जैसे आप ये छोटा भीम हो गया और एक ये टेडी बियर देख सकते हो, आप इनके साथ फोटोज वगैरह क्लिक करा सकते हो। ये देखो मैं आपको ना आगे की तरफ से दिखाता हूँ, ये देखो वाओ यार, रातू मेरी जाने सारा हिंदुस्तान, ये देख सकते हो भाई कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप अपनी फोटोज क्लिक करा सकते हो, वीडियोस बना सकते हो, रील्स, ये बहुत ही बढ़िया। अभी हम आ चुके हैं आपको लेके किड्स जोन में, जहाँ पर छोटे बच्चे फुल एंजॉय कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से ये स्लाइड्स राइड्स हैं। तो यहाँ पर आपको ना सबसे पहले देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से यार, ये देखो बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से फोटोज वीडियोज आप भी बना सकते हो। तो चलो चलते हैं हम अभी किड्स जोन एरिया में, तो किड्स जोन एरिया में चलते हैं। तो छोटे बच्चों के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे ये छोटी सी ये राइड, यहाँ पर कुछ इस तरीके से, यहाँ पर एक छोटा बच्चा बैठेगा और एक वहाँ पर, और अभी हम इस तरफ चलते हैं। तो छोटे छोटे बच्चे देख सकते हो यार, कितने क्यूट से लग रहे हैं, ये देखो छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए बॉल्स के साथ। हेलो बच्चों, कैसे हो? हेलो वे। और अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर ये कुछ बलून है और यहाँ पर बच्चे फुल एंजॉय कर सकते हैं, और यहाँ पर भी ये देख सकते हो ये छोटे छोटे बच्चे फुल एंजॉय करते हुए, ये फुल एंजॉय। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये छोटे बच्चों के लिए ट्रैम्पलिन है, तो वो देखो यहाँ पर भी बच्चे जंपिंग वाली ये कुछ गेम्स वगैरह अपना एंजॉय कर सकते हैं। और ये छोटे बच्चों के लिए स्लाइड है, तो देख सकते हो यहाँ से कुछ नॉर्मल सी बॉडी स्लाइड, और ये कुछ टनल वाली है, तो यहाँ से आपके बच्चे आके फुल एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है सभी बच्चों के लिए, अगर आपके साथ बच्चे आ रहे हैं तो फुल एंजॉय कर सकते हैं भाई, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस के बिना। तो अभी हम आए हैं गोवा वाले सेक्शन में, और सबसे पहले जो हम आपको स्टॉल दिखाने वाले हैं कुछ डेकोरेशन के रिलेटेड है। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर एक ये वुमेन है, मैम है, तो हेलो मैम कैसे हो आप? हेलो, अच्छी हूं। तो मैम आप प्लीज बता सकते हैं आपके पास जो प्रोडक्ट है ये डेकोरेशन के रिलेटेड, इसमें क्या खासियत है, मतलब और आप कहाँ से आए, किस स्टेट से आए? मैम मैं गोवा से आई हूँ। ओके मैम। और मैंने कुछ लकड़ी से बने हुए प्रोडक्ट्स लेके आई हूँ, यानी जैसे कि ड्राई फ्लावर्स। ओके मैम। ये एक सोलाहुड करके लकड़ी होती है, ठीक है, प्लांट होता है वो, प्लांट है वहाँ की खेती होती है वहाँ पर गोवा में, इसकी वो खेती प्लांट को हम 6 महीने बाद निकाल के उसको कटिंग करते हैं। ओके। तो बाहरी हिस्सा जो है वो इस तरह से होता है। अच्छा मैम, ठीक है। और अंदर का हिस्सा उसका वाइट होता है। ओके। और ये वाइट कलर, इसमें वाइट के फ्लावर्स में एवरी टाइम हम कलर कर सकते हैं, कोई भी चीज का हम कलर कर सकते हैं, ठीक है मैम। और इस पे हमने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्लावर्स बनाए हैं। एंड द सेकंड थिंग्स देखिए, यहाँ पे एक कुछ नेचुरल प्लांट है, इसी को हमने सिर्फ स्प्रे किया हुआ है, और इनकी ड्यूरेबिलिटी हो जो होती है कम से कम 1 साल 1.5 साल तक ये फ्लावर्स जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, ये ख़राब नहीं होते हैं, ठीक है मैम। तो ये जो आपके प्रोडक्ट है मैम, मिनिमम कितने रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं और मैक्सिमम कितने रुपए तक जाते हैं? देखिए ये 30 रुपये 20 रुपये से स्टार्टिंग रेंज में शुरू होता है, टिल 80 रुपीज तक। Okay. चलती है। ओके ओके ओके, ठीक है मैम। बहुत ही रीजनेबल और अच्छी प्राइस में हमने ये फ्लावर्स लेके आए, ताकि कस्टमर हमसे ये खरीदे। बिल्कुल, बिल्कुल। और पूरे नेचुरल लकड़ी से बने हुए हैं,
तो अच्छे से अच्छे यहाँ पे आए, लोग आए और अच्छी से अच्छी खरीदारी करें, यही रिक्वेस्ट है। बिल्कुल मैम, तो थैंक यू मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बाकी जो भी ये स्टॉल देख रहा है प्लीज विजिट जरूर करें। तो अभी हम जैसे ये फर्स्ट स्टॉल पर होके आए हैं और अभी हम आगे स्टॉल पर चलते हैं, तो यहाँ पर ये कुछ आइटम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आइटम होंगे, तो यहाँ से आप ये परचेज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर ये गोवा के फेमस ये सॉल्टेड काजू भी हैं, साथ ही साथ जैसे यहाँ पर ये मैम सेल कर रही हैं, तो मैम ये कौन कौन से काजू हैं मैम आपके पास? ये हमारे रोस्टेड हैं। ओके। ये सॉल्टेड हैं। ओके। और मसाले हैं, और गार्लिक हैं, और ये सिंपल वाले भी। अच्छा, ओके मैम। और साथ ही साथ आपके पास क्या क्या मैम, मतलब ये जो प्रोडक्ट हैं और कौन कौन से आपके पास मिल पाएंगे? ये हमारे गोवा का फेमस चूरमा है। ओके। और ये लड्डू हैं। ओके। मूंग के लड्डू हैं, गेहूं के लड्डू हैं, और ये मूंगफली के लड्डू हैं, और ये खाजा है, और ये कोकम है। अच्छा। और चक्री है, ये कोकम शरबत है, ये कोकोनट ऑयल है। हाँ जी, हाँ जी। तो मैम आपके पास मिनिमम कितने रुपए से आइटम स्टार्ट हो जाते हैं और मैक्सिमम कितने रुपए तक आइटम है? हमारे मैक्सिमम 50 से 1500 होता है। थैंक यू मैम। तो अभी हम ये वाले स्टॉल से होते हुए अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर ये कुछ गर्ल्स आइटम्स हैं। तो यहाँ पर आपके जैसे एक साथ कोई गर्ल्स आ रही हैं तो वो कुछ ले सकते हैं, जैसे ये गोवा की जैसे कैप्स होती है ना, गोवा की कैप्स हो गई, ये कुछ देख सकते हो, ये देख सकते हो कुछ। साथ ही साथ ये देखो कितने प्यारे प्यारे डिज़ाइन से ये रेडी करे गए हैं, ये देख सकते हो। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है भाई आई लव गोवा, तो अगर आप नॉर्मली गोवा जाते ना तो ये भी आपको ये बियर वियर खोलने वाले, और ये देख सकते हो बहुत ही बढ़िया, देख सकते हो ये आई लव गोवा के नाम से, बहुत ही प्यारा यार। ये मैग्नेट वाले हैं, तो आपके फ्रिज वगैरह या कुछ गेट पर भी ये चिपक जाएंगे। इधर देख सकते हो यार कितना ही प्यारा है, साथ ही साथ ये एयरिंग्स वगैरह हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे लग रहे भाई। बाकी इस तरफ देखोगे आप, ये भी देख सकते हो आप, ये कुछ गोवा में ज़्यादातर ऐसे कैप्स चलते हैं ना, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ पर ये ड्रीम कैचर्स वगैरह हैं, और बहुत ही बढ़िया। बाकी अगर हम इस इधर देखें ना, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो इधर आपको और भी आइटम देखने को मिल जाएंगी गर्ल्स के रिलेटेड, तो बहुत ही प्यारा है भाई। और अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ, तो बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन से यार ये रेडी करे गए हैं, आप देख सकते हो। ये देखो वाह, बहुत ही प्यारा। और साथ ही साथ अभी हम आगे की तरफ बढ़े हैं, तो ये भी जैसे ये सभी आइटम ना बम्बू से रेडी करे गए हैं, आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। इधर देखो, इधर देखो, बहुत ही प्यारे प्यारे आइटम्स हैं ये, और ये सभी ना जैसे बम्बू से रेडी करेंगे ना, ये देखो ओए होए कितना प्यारा डिज़ाइन है इसका। हेलो मैम, तो यहाँ पर आपको सभी ये बम्बूस के आइटम देखने को मिल जाएंगे। और अभी हम आगे की तरफ बढ़े हैं गोवा वाला आइटम दिखाने के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ, तो ये सभी प्रोडक्ट आपको गोवा के रिलेटेड देखने को मिल जाएंगे। और अभी हम आगे की तरफ बढ़े हैं, तो यहाँ पर आपको बैग्स भी देखने को मिलते हैं गोवा वाले डिज़ाइन की तरफ से, वो देख सकते हो, जैसे ये बीचेस वगैरह के हैं, और ये सारे ना हाथों से रेडी करे गए हैं, आप देख सकते हो ये कितने प्यारे प्यारे डिज़ाइन से ये रेडी, बहुत ही प्यारा लग रहा है यार। और इधर भी देखो आप, वाह बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन है, और यहाँ पर होर भी हैं, आप देख सकते हो। इधर देखो, और ये देखो आप कितना प्यारा लग रहा है भाई ये वाला बैग, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर आप आके ये बैग्स की शॉपिंग्स वगैरह कर सकते हो। और यहाँ आगे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप ना अलग अलग तरीके के बेडशीट्स वगैरह ले सकते हो। तो आप देख सकते हो ये कुछ बेडशीट, और साथ साथ जैसे ये भैया भी बता, ये सभी हैंड ब्लॉक में आएगी, प्योर ब्लॉक में। इसका ऑनलाइन रेट होता है 1800, ऐसे हमारे पास ये सिर्फ 750 में आ रहे हैं, 750 में। ये एम्ब्रॉयडरी है, ये प्योर खादी में आता है, खादी के ऊपर वूल से हैंड आरी वर्क होता है इसको पूरा, ये चीज़ में
इसका आएगा ट्रेड काउंट 750 ट्रेड काउंट रहेगा, प्योर थ्रू हैंड ब्लॉक रहेगा ये सभी आइटम्स। ये वाली ये जो लगी है इसका जो आएगा इसका रेट है ऑनलाइन 2500 रुपया रेट आता है इसका। ये ओके हमारे पास सिर्फ 1250 की आती है। ओके ओके, तो अभी हम बेडशीट देख के आए हैं और अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक ये मैम है और यहाँ पर आपको ट्रेडिशनल साड़ीज वगैरह भी देखने को मिलती है। तो हेलो मैम, कैसे हो? ठीक हो मैम। तो आप भी जैसे गोवा से हो और आपके पास मैम जैसे ये जो प्रोडक्ट है ये क्या क्या देखने को मिलते हैं मैम? हाँ, हमारे यहाँ गोवा की ट्रेडिशनल कुर्मी साड़ी है जो मैंने पहने हैं। ओके। और ये हमारे छोटे से ये शॉल है, ये ट्रेडिशनल है, ये जो भी हमारे यहाँ मेहमान लोग आते हैं वो यही पहना के हम उनका स्वागत करते हैं। ठीक है मैम। और ये टॉवल बनाते हैं हम पूरा। ओके। पूरा का पूरा हम हैंडलूम से बनाते हैं। ठीक है। और ये योगा मैट भी बनाते हैं, छोटे से छोटा ये पाउच बनाते हैं देखिए। हाँ जी। और ये हैंकिट बनाते हैं देखिए, छोटे से छोटा भी ये पीस बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। साड़ी की रेंज है 3500 तक है, उससे बड़ा 5000 तक है डॉबी की है तो। और ये हम सब पूरा हम हाथ से बनाते हैं। अच्छा मैम। ये गोवा में हमारा छोटा छोटा सेंटर है, एक पूरा हम हैंड से ही बनाते हैं। चलो थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर मैम। और अगर गाइस आप भी आ रहे हो तो यहाँ से आप ये शॉपिंग कर सकते हो गोवा की स्पेशल ट्रेडिशनल साड़ीज और ये गोवा के कुछ आइटम्स। आप पहली बार विजिट कर रहे हो? ओके ओके ओके। गोवा में भी अभी ऐसे ही बेचते हैं लेकिन शॉप ऐसा नहीं है, लेकिन हम अभी स्टार्ट किया है। अच्छा अच्छा। नया फिर से ट्रेंड आया है। हाँ, पहले का है ये। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अभी फिर से नया ट्रेंड आया है। यही हम पहले का अभी फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अपने सारे देश में बिल्कुल पहुँचाना चाहती है। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिलके, तो थैंक यू मैम। गोवा का स्टॉल्स कम्प्लीट करने के बाद अभी हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ है कुछ उड़ीसा की तरफ, तो चलो चलते हैं उड़ीसा वाले सेक्शन में और क्या क्या आपको देखने को मिलता है सब कुछ आपको डिटेल शेयर करते हैं। अभी हम आए हैं जैसे उड़ीसा के जया माता जी के स्टॉल्स पर और यहाँ पर क्या क्या आइटम देखने को मिलती हैं तो हम मैम से पूछते हैं। हेलो मैम, कैसे हो आप? सर नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। मेरा नाम सुमित्रा माझी है। ओके। और मैं कालाहानी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा से हूँ। जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हैं हरियाणा गुड़गांव में हूँ और यहीं पे हमारा आजीविका मेला लगा है जसवेरी पार्क में। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये सब खुद हाथों से बनाई हूँ मैं और मेरे साथ आई है मेरी दोस्त। हेलो मैम, कैसे हो? नमस्ते जी। और ये सब हैंडमेड है, हाथों से तैयार हुआ काम है। और सभी को रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज आइए विजिट कीजिए, अगर आप लोगों को अगर अच्छा लगेगा तो। बिल्कुल मैम। तो आपके पास जैसे ये आइटम्स है किस किस प्रकार के मैम, तो मतलब किस किस यूजेस में आने वाले आइटम्स है वो कुछ डिटेल शेयर करेंगे आप? जैसे आपके पास मैं अभी देख रहा हूँ यहाँ पर ये कप है, तो ये कप तो नॉर्मली जैसे चाय कॉफी पीने के लिए यूज होता है, लेकिन आपने ना इसके ऊपर हैंडमेड ये कुछ डिजाइन कर दिया बहुत प्यारा सा। जी सर। तो इसी के साथ साथ और कौन कौन से आइटम है आपके पास? जी सर, हम लोग आदिवासी लोग हैं। हाँ जी। और हमारा कल्चर में जो कुछ भी होता है सर हम ऐसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं सर। बहुत ही प्यारा मैम। हर एक जगह में आपको एक एक स्टोरी मिलेगा। हाँ जी। आदिवासी कल्चर में क्या होता है, आदिवासी लोग कैसे रहते हैं, कैसे जीवन यापन करते हैं। यहाँ आप लोग ऐसे देख सकते हो ये मोग में बनाई हूँ। बिल्कुल। ये आप गिफ्ट दे सकते हो और घर पे यूज भी कर सकते हैं। और ये पे हमारा ट्राइबल आर्ट भी है। ओके ओके। जैसे कि अगर आपके घर में कोई अतिथि आएगा तो मतलब उनको भी बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। जी। और यहाँ देख सकते हैं आप लोग हमारे इंडिया में जितना भी सीनरीज है, माता दुर्गा माता ऐसे बहुत कुछ चीजें लाए हूँ। ये मैम किस चीज के लिए यूज में आता है वैसे? ये सर ऐसे लगाया जाता है। ओके ओके ओके। ये वॉल डिजाइन के लिए हो गया लाइक। और okay. जैसे कि ये आप लोग नोटबुक है, okay. डायरीज ऑफिस में आप लोग यूज कर सकते हो। हाँ जी। तो ये मतलब अंदर से तो डिजाइन होगा मेरे हिसाब से। ठीक है ठीक है। ओके ओके। सिर्फ कवर है इसका नोटबुक का ऐसा डिजाइन वाला। ठीक है मैम। बहुत कुछ सामान लाई हूँ। ओके। आप लोग घर पे डेकोरेट कर सकते हो टेबल में और गिफ्ट भी देख सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम आपके पास जो ये आइटम्स है कितने रुपए से मिनिमम स्टार्ट हो जाते हैं और मैक्सिमम कितने रुपए तक जाते हैं मैम? जी सर, हम एक्चुअली 100 से स्टार्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा नहीं 1000 तक लास्ट। ओके ओके ओके। चलो मैम बहुत बढ़िया मैम। तो गाइज अगर आप आते हो तो ये हैंडमेड कुछ आइटम्स हैं यहाँ पे, डिज़ाइंस हैं। तो ये कुछ शॉप का नाम होने वाला है जया माता जी और ये मैम आपको मिलेंगी दोनों मैम। तो आप यहाँ पर ज़रूर विजिट करिए और ज़रूर एक बार शॉपिंग इनसे करिए, तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया आइटम है भाई इनके पास। तो हेलो मैम, कैसे हो आप?
ठीक जी। तो मैम आपके पास क्या क्या आइटम है जो आप सेल कर रहे हो मैम? रागी का कुड़मुड़ है। ओके तो ये क्या है मैम, थोड़ा दिखाओगे मैम? क्योंकि जिसकी उम्र लगभग 10 साल है, बच्चे ने तो ओके इसको क्या बोलते हैं मैम? कुड़मुड़ बोलते हैं। कुड़मुड़, ओके ये दोस्तों कुड़मुड़ है, बहुत ही बढ़िया। और आपके पास क्या क्या देखने को मिलता है? कच्चा हल्दी है, टर्मरिक पाउडर, ओके और साथ में और क्या है आपके पास? जैगरे, ओके जैगरे, ये गुड़, गुड़, ओके ओके ये गुड़ हो गया। और साथ में स्वान का लिटिल मिलेट, ओके ठीक है। और मैम ये जो है ये क्या चीज है मैम? ये जो छोटे छोटे पैकेट में बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं, ये क्या चीज है मैम? बाजरा का लड्डू है। बाजरा का लड्डू, ओके वाओ। ये क्या है? शुगर फ्री रागी कुकीज, वाओ बहुत ही प्यारे। और क्या क्या है मैम? रागी का लड्डू है। लड्डू, ओके बाजरा रागी का कुकीज, वाओ बहुत बढ़िया मैम। तो ये कितने रुपए से स्टार्टिंग है? जैसे 150 के हैं, बहुत ही बढ़िया। सो दोस्तों आपको ये वाली शॉप पर 150 रुपीज़ और ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्राइस में आपको ये मिल जाएंगे। ये कुछ शॉप का नाम होने वाला है उड़ीसा वालों की तरफ से, आप मैम से आके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अभी हम उड़ीसा वालों की माँ संतोषी वाली शॉप पर आए हैं, तो ये कुछ 4th नंबर की शॉप रहने वाली है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो हेलो मैम, कैसे हो आप? अच्छे हूँ। और क्या नाम है मैम? मेरा नाम विस्मिता पाल है, उड़ीसा से पूरी। ओके ओके तो मैम आपके पास क्या क्या आइटम देखने को मिलते हैं मैम जो आप सेल कर रहे हैं? ये कौन कौन से आइटम है? कायर है, हैंड पेंटिंग पटचित्र है, उड़ीसा का पटचित्र है, ओके तो ताल पत्र से भी बना हुआ है, पेपर मखी है। तो ये हैंडमेड है, ये क्या है मैम? मतलब ये हैंडमेड है मैम? हैंडमेड है। ओके ओके तो ये क्या है मैम? ये लैम्प शेड है। ओके बहुत प्यारा डिजाइन है मैम इसका, और साथ ही साथ यहाँ पर भी गाइस आप देख सकते हो ये पूरा हैंडमेड रेडी करके रखा गया है। ये किससे रेडी करा गया? ताल पत्र से हैंड पेंट। ओ वाओ ये भी आप गाइस देख सकते हो, इसको क्या बोलते हैं मैम? पटचित्र है, कृष्णा भगवान की सारी लीला, ओके गोपियों के साथ, वाओ रास। तो बहुत ही प्यारा डिजाइन भी लग रहा है भाई, साथ ही साथ ये देख सकते हो आप गाइस। तो मैम आपके पास मिनिमम कितने रुपए से ये आइटम स्टार्ट हो जाते हैं और मैक्सिमम कितने रुपए तक जाते हैं? 10-15 हज़ार पर। ओके 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 चलो मैम, थैंक यू मैम, आपसे अच्छा लगा मिलके। अभी हम उड़ीसा वालों की तरफ से 5th शॉप पर आए हैं जिसका नाम है लक्ष्मी नारायण। तो यहाँ पर आपको जो आइटम्स है ये क्या क्या देखने को मिलती है, तो चलो अंकल जी से बातचीत करते हैं। हेलो अंकल, कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ। अच्छे हो, तो कहाँ से आए हो अंकल जी? मैं सर उड़ीसा से आ रहा। उड़ीसा से आए, तो आपकी शॉप पर क्या क्या आइटम्स हैं थोड़ा डिटेल बताना चाहेंगे आप अपने आइटम के? सर मेरा उड़ीसा से आइटम जो आ रहा है ऐसे पेपर मशे आइटम होता है, ओके वेस्ट पेपर जो फेंक दिया था वो पेपर को भिजा के वो की एक आइटम डिजाइन बनाता है। ओ, ये सब हाथ का काम होता है, ये जो काम होता है ना ये सब अनब्रेकेबल होता है, ये भी गिरेगा टूटेगा नहीं, ये होता है सर। अच्छा तो अंकल जी जो आपके पास ये आइटम्स हैं तो मिनिमम कितने रुपए से स्टार्ट होते हैं? पहले 150 से स्टार्ट हुआ। अच्छा और तो 2,000-3,000 तक रेट आता है। ओके ओके वो जगन्नाथ जी आ रहा है, हाँ, वो भला बुद्ध ही 500 आता है। अच्छा। ये वो 500 आता है, ये 500 के आज्ञा सर। ओके और ये जैसे गणपति महाराज के हमारे 600 आता है, 600 रुपए ठीक है। ये भी 600 आता है जो ज्वेलरी बॉक्स, ज्वेलरी बॉक्स हो गया ये। ये वॉशेबल होता है। अच्छा वो अनब्रेकेबल होता है। चलो ठीक है, थैंक यू अंकल जी, थैंक यू। दोस्तों अभी हम उड़ीसा वाले सेक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर उड़ीसा लिखा हुआ है और इसके अपोजिट में ही यहाँ पर ये पंजाब वाला सेक्शन है। तो चलो चलते हैं और पंजाब वाले आपको सेक्शन की कुछ स्टॉल्स हैं उनका एक्सप्लोर कराते हैं। तो ये पटियाला किंग आजीविका नाम से ये शॉप होगी पहली, और इसके आगे हम चलते हैं तो यहाँ पर भी कुछ ये आइटम्स होंगे आप देख सकते हो पंजाब वाले की तरफ से, और नाम है पिंड बी आजीविका। तो ये कुछ इस तरीके से आइटम आपको देखने को मिलेंगे जिसमें कंगनी, कोदरा, कुटकी, स्वांक, हरी कंगनी, ये कुछ आइटम होंगी, तो बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ से आप ये शॉपिंग्स वगैरह कर सकते हो। इसी के अपोजिट में जैसे हम आपको दिखाएं तो ये पंजाब वालों की तरफ से जैसे ये ड्रीम कैचर्स वगैरह हो गए, बच्चों के टॉयज़ हो गए, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ये बच्चों के लिए जैसे टॉयज़ हैं, और ऊपर की तरफ नज़र मारे तो ये ड्रीम कैचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, तो बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन है। और अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं ये पंजाब वाले सेक्शन में, तो यहाँ पर ये वाहिगुरु कृपा आजीविका की तरफ से ये शॉप्स दिख जाएंगी,
साथ ही साथ ये सामने भी ये कुछ यहाँ पर, तो ये कुछ पंजाब सेक्शन रहने वाला है जिसमें आपको अचार हो गए, ये सूट्स हो गए, ये नॉर्मल्स जैसे ये दुकान है, और ये बच्चों के टॉयज़ वगैरह वो देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों पंजाब के स्टॉल्स के बाहर आपको ये पंजाब बैंड भी देखने को मिलता है, और आप देख सकते हो कुछ पंजाब बैंड के कुछ ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको बैंड बजाते हुए ये कुछ दिखेंगे पंजाब से आए हुए, तो बहुत ही बढ़िया भाई, ये अलग ही वाइब है भाई। तो अभी सरस आजीविका मेला के सिर्फ अभी हमने दो स्टेट के स्टॉल्स कंप्लीट करे हैं, यानी गोवा, पंजाब एंड उड़ीसा, टोटल 3 हो गए। लेकिन भाई साहब अभी हम इतना थक चुके हैं, बिकॉज ये इतना बड़ा सरस आजीविका मेला है जिसको आपको घूमने के लिए पूरा दिन लग सकता है, इसलिए इसकी जो टाइमिंग है सुबह 11 बजे से रात के 9:30 बजे तक है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जैसे ये बैक साइड आपको ये देखने को मिल जाएंगे, आप देख सकते हो ये अंकल जी जैसे यार ये कितना ही प्यारा यार ये बैंजो टाइप बजाते हुए आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये बहुत बढ़िया भाई, ये बदतमीज दिल मरना, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। और साथ ही साथ यहाँ पर ये आइटम देख सकते हो आप, और ये जैसे अंकल जी बैठे हुए भाई बिल्कुल पेड़ों के नीचे, ओए होए 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 कितना ही घना पेड़ है, और इसके नीचे अंकल जी ये कुछ बजाते हुए बहुत प्यारा। और इसकी तरफ हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ सेल्फी पॉइंट है, और आगे भी आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके के ये पेड़ देखने को मिलेंगे, और ये कुछ लाइट्स वगैरह सजावट के रिलेटेड बता रखे हैं, मतलब देख सकते हो। तो अभी हम आ चुके हैं तेलंगाना वाले सेक्शन में, तो ये कुछ स्टॉल्स रहने वाले हैं, तो चलो चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से स्टॉल में क्या क्या आइटम देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम स्टॉल में आए, तो नमस्ते अंकल जी, क्या हाल चाल? अच्छा है। तो क्या क्या आपके पास देखने को मिलता है, जो आइटम्स है क्या क्या है? हमारे पास टॉवल है, अच्छा, लुंगी है, बेडशीट है, रुमाल, तब हमारा हैंडलूम का खुद बनाते हैं हम लोग, हम तेलंगाना से आया। वाह, चादर भी है। अच्छा, तो मैक्सिमम कितने रुपए तक आपका प्राइस जाता है, और मिनिमम कितने रुपए तक स्टार्ट हो जाता है? हमारा 1200 रुपए का बेडशीट आता है। अच्छा, और लास्ट में वो 900 रुपए में दे देते हैं। वाओ, और ये जैसे ये टॉवल्स आप रखे हुए हैं सामने, ये कितने रुपए से कितने रुपए तक ये प्राइस लिस्ट रहने वाली टॉवल्स की? ये टॉवल हम 150 रुपए में बेचते हैं, भाव है इसका, ठीक है, 130 रुपए में देते हैं। ओके ओके ओके, चलो ठीक है, थैंक यू अंकल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तेलंगाना की अभी हम सेकंड शॉप पर आए हैं जिसका नाम है श्री साईं गंगा महिला संगम। तो यहाँ पर आप ये लेडीज़ बैग्स देख सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट डिफरेंट कलरफुल आपको ये सारे बैग्स देखने को मिलेंगे। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाना चाहूँगा, तो ये देख सकते हो ये कुछ कितना ही प्यारा है यार, ये सारे हैंडमेड ये ट्रेडिशनल बैग्स हैं, बहुत ही प्यारा, ये देख सकते हो, ये भी देख सकते हो गाइस, इधर देखो गाइस कितना ही प्यारा यार डिज़ाइन से रेडी करा गया है, और इधर देखो, और इधर देख सकते हो, तो ये अंकल जी की शॉप रहने वाली है, आप अंकल जी से मिलके ये शॉपिंग कर सकते हो। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जैसे बैग्स हैं, और जैसे कलरफुल यार कितने प्यारे लग रहे हैं ना, जैसे ये पूरे हैंडमेड रेडी करे गए हैं, कंप्लीट कॉटन है पूरा, ये देख सकते हो कितना ही प्यारे यार, यहाँ पर गणपति महाराज की जैसे इन्होंने ये रेडी करा गया, ये देख सकते हो दोस्तों। तो ये कुछ यहाँ पर आपको आइटम देखने को मिलेंगे अंकल जी के पास, अगर आप आते हो तो यहाँ से आप आके शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। जैसे तेलंगाना की अभी हमने 3 शॉप्स कंप्लीट कर लिए हैं, आपको दिखा दिए हैं, और इसी के अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको बेडशीट एंड ये कुछ आपके पिलो कवर्स देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर भी आपको सेम ये प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, आगे आपको ये कुछ शर्ट्स वगैरह होगी, टी शर्ट्स वगैरह होगी, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये तेलंगाना की तरफ से जैसे ये लेडीज सूट्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगी, और ये कुछ लेदर्स की जैसे ये बैग्स वगैरह हैं, पर्स वगैरह हैं, वो आपको देखने को मिलते हैं इस लोकेशन पर, इस शॉप पर आके। तो अभी हम आपको लेके चल रहे हैं उत्तर प्रदेश वाले सेक्शन में, आप देख सकते हो यहाँ पर ये कुछ इस तरफ और इस तरफ ये कुछ स्टॉल्स हैं। तो यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश की तरफ से, तो आपको सब कुछ डिटेल शेयर करते हैं। उत्तर प्रदेश के हम सबसे पहले आपको स्टॉल पर लेके आए हैं, और यहाँ पर हम आपको सबसे पहले दिखाना चाहेंगे भाई ये देसी घाट, देख सकते हो यार ये सिंगल पर्सन के लिए, ये छोटी सी भाई, इसको क्या बोलते हैं उत्तर प्रदेश में प्लीज़ मेरे को बताना कमेंट करके। और साथ ही साथ अगर आपके कोई कॉर्नर में जगह खाली है तो ये प्यारा सा यार कितना डिज़ाइन लग सकता है, ये देख सकते हो
बहुत ही प्यारा सा। बाकी यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये कुछ लकड़ी के ये आइटम है, ये देख सकते हो यार ये बच्चों के खिलौने, वाओ बहुत ही प्यारा। ये देख सकते हो, ये देखो भाई कितनी ही प्यारी प्यारी ये जिप्सी रेडी करके इनके पास मिल जाएंगे आपके। और यहाँ पर ये देख सकते हो भाई पुराने ज़माने में जैसे ये स्टिक्स रखते थे ना भाई सारे, ओह ज़्यादातर जैसे राजा महाराजा ठाकुर लोग रखते थे, वाह बहुत ही बढ़िया। और साथ ही साथ ये किचन के रिलेटेड ये आइटम्स हैं, ये आप देख सकते हो बेलन वगैरह लकड़ी के, इधर देख सकते हो आप, और इधर देखो, और आप ये देख सकते हो बच्चों के लिए, इधर भी ये कोई सिंग अभी खुला हुआ पीस नहीं है वरना ये बचता बड़ा प्यारा, ये बच्चों के लिए सारा। ये मसाजर हो गया, और ये देख सकते हो साइकिल। तो ये आपको उत्तर प्रदेश वाले सेक्शन में ये सारे आइटम देखने को मिल जाएंगे, तो अगर आप आते हो तो ये सारे परचेज कर सकते हो ये यहाँ आके। उत्तर प्रदेश के अभी हम सेकंड शॉप पर आए हैं, यहाँ पर आपको ये फोल्डिंग मैट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगी। तो नमस्ते भैया, क्या हालचाल आपके? बढ़िया सर, बढ़िया। तो आपके पास क्या क्या आइटम देखने को मिलेंगे कुछ डिटेल्स के साथ? हमारे पास सर ये फोल्डिंग मैट आते हैं, कुराई ग्रास मैट। ओके, ये फोल्डेबल होते हैं और वॉशेबल होते हैं। अच्छा, 1 से 1.5 किलो वजन होता है इसमें, ये 3x6 का साइज है। ठीक है जी, हमारे पास और भी बड़े बड़े साइज भी है, 3x6, 4x6, 5x6, 6x6 तक आता है। ठीक है, इसका प्राइस है 1200। ओके, और इसको फोल्ड करके आप इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हैं या कहीं भी घर में पैक करके रख सकते हैं। वाओ बहुत ही प्यारा डिजाइन है यार। और ये जो नीचे से इसके मैट लगा हुआ है, इसके दो पर्पस होते हैं, एक तो ये ठंडे में ठंडा नहीं आने देगा ऊपर, और गर्म में गर्म नहीं आने देता। अच्छा, ये पानी से गलता नहीं है। प्लास्टिक वाली चटाई जो होती है वो 2-2.5 साल में चूने लगती है, जहाँ बिछाओ कचरा हो जाता। बिल्कुल, लेकिन इसकी लाइफ 5 से 6 साल है रफली यूज में। अच्छा, इसको कहीं भी पैक करके रखिए, कहीं भी लेके जाइए। ठीक है, इसके अलग काफी सारे इसके कलर्स हैं। तो आपके पास कितने रुपए से मिनिमम स्टार्ट हो जाते हैं और मैक्सिमम क्या प्राइस ले? 750 से स्टार्ट हो जाता। ठीक है, और 2200 तक प्राइस है इसका। ओके ओके ओके, अलग अलग साइज होते हैं उसके, अलग अलग प्राइस होते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू सर, वेलकम। फाइनली दोस्तों, अभी हमने जैसे उत्तर प्रदेश वाला सेक्शन बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है, और इसके अपोजिट में ही ये है कर्नाटका वाला सेक्शन। तो आप देख सकते हो ये कर्नाटका लिखा हुआ है, और यहाँ से आपको सारे स्टॉल्स देखने को मिलेंगे कर्नाटका की तरफ से। तो यहाँ पर आपको क्या क्या आइटम है जो देखने को बड़ा अट्रैक्टिव करती है, तो चलो बताते हैं आपको। अभी हम आए हैं श्री गणेश स्त्री शक्ति के नाम से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे ये डिज़ाइन बना के रखे गए हैं। ये कुछ ये लाइट लैंप्स हैं, अगर आप इसमें बल्ब डालते हैं तो बहुत ही कलरफुल लगते हैं। जैसे आपको एग्जांपल के लिए दिखाना चाहूँगा, ये देख सकते हो कितना ही प्यारा यार ये रेडी लग मतलब रेडी करके रखा गया है ना, ये इसके अंदर लाइट लगा के रखी गई, देख सकते हो ऊपर से ये बल्ब है, ये बल्ब इसको आप अटकाओगे और इतना प्यारा डिज़ाइन लगेगा। बाकी इसकी क्वालिटी की बात करी जाए, ओए हो ये लेदर में पूरा रेडी कर रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर भी आप डिज़ाइन देख सकते हो, ये देख सकते हो ये पिकॉक, ये कृष्ण भगवान जी, ये देखो बड़े डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जैसे ये डिज़ाइन है। तो आप यहाँ पर आके ये लाइव देख सकते हो, और ये देखिए कितना ही प्यारा लग रहा है। साथ ही साथ ये देख सकते हो आप गणपति बापा का कितना प्यारा लग रहा है। और ये जैसे हम आइटम के बात करी जाए तो भाई ये लेदर में है पूरा, ये देखो, और इधर भी आप देख सकते हो कितने ही डिज़ाइन यार ये पूरा, ये मतलब ना हैंडमेड रेडी है ये भी पूरा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो, अगर आपको छोटे छोटे चाहिए हो इसमें भी बल्ब रखो, और कितना ही प्यारा लगेगा। फाइनली अभी हम आ चुके हैं हरियाणा वाले सेक्शन पर, और यहाँ से आप देख सकते हो दोनों साइड ही आपको हरियाणा वाले कुछ स्टॉल्स देखने को मिलते हैं। और इन स्टॉल्स में क्या क्या देखने को मिलता है आपको बताते हैं। तो अभी हम जैसे इस तरफ आए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ नंगल एहसानपुर की तरफ से, जैसे हरियाणा वालों की तरफ से ये शॉप्स हैं। तो आप देख सकते हो ये कुछ गले में पहनने वाले नेकलेस वगैरह, कुछ अलग अलग तरीक़ों के, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही पहन सकती हैं भाई। ये देख सकते हो, ये देखो कितना ही प्यारा लग रहा है, इधर देखो, ओए होए ये भी बहुत प्यारा लग रहा है भाई, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, ये स्टोन्स का है भाई, बहुत ही प्यारा। और अभी हम नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो कुछ इस तरीके के आइटम्स होंगे, यहाँ पर आपको ये आइटम देखने को मिल जाएंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ ये बैग्स हैं, ये लेदर बैग्स हैं आई थिंक। तो एक बार चलो चलते हैं और पूछते हैं। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ये बैग्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, और इस शॉप का नाम होगा शिव दर्शन।
और ये 100% ओरिजिनल लेदर को सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप जो तो जितने भी आइटम हैं ये सारे 100% लेदर से हैं, देख सकते हो। ये अपनी रिवॉल्वर रखने के लिए जो होता है, ये बेल्ट हो गए, ये मोबाइल कवर, ये साइड बैग हो गए। भाई इन आइटम को छूने पर ही पता लग रहा है भाई कि 100% ओरिजिनल लेदर है, क्योंकि अलग ही यार क्वालिटी होती है भाई लेदर की। तो आप देख सकते हो ये कितना ही प्यारा बैग लग रहा है। इधर देख सकते हो आप, ये कुछ ये साइड बैग लेडीज़ के लिए, ये ऑफिस बैग हो गए। तो यहाँ से आप ये आके शॉपिंग कर सकते हो, शिव दर्शन के नाम से शॉप होगी। और इसी के साथ अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हुए आए हैं, तो यहाँ पर आपको ये सारे मिट्टी वाले आइटम मिलेंगे, जैसे ये दिए हैं, ये छोटे छोटे दिए हो गए, ये कुछ डेकोरेटेड हो गए। ये आइटम देख सकते हो, ये दिया देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, डेकोरेटेड है ये। इधर देखो, वाओ, आई थिंक ये विसल है, हाँ ये विसल है, इधर से देख सकते हो ये। तो बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन से ये पूरा मिट्टी वाले आइटम आपको देखने को मिल जाएंगे। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। जैसे अभी हम हरियाणा वाले सेक्शन में घूम रहे थे, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये हरियाणा वाले ढोल, और देख सकते हो साथ में पीपड़ियाँ बजाते हुए, यहाँ पर आप देख सकते हो डांस भी, ये बहुत ही बढ़िया भाई। सेकेंड नंबर पर आता हरियाणा वालों की तरफ से जैसे ये बैंड, तो आप देख सकते हो भाई ये तो देख सकते हो यहां पर सभी के सभी जैसे लोग खड़े हैं और फुल देखते हुए भाई हरियाणा वालों का। तो दोस्तों अभी जैसे कि हमने कुछ 5 से 6 स्टेट्स के स्टॉल सारे कवर कर लिए हैं, लेकिन यार ये मेला इतना बड़ा है जिसको हम कुछ 2 से 3 घंटे में प्रॉपर कवर नहीं कर सकते। तो अगर आप आ रहे हो ना, तो आप इसके लिए भाई फुल टू फुल टाइम निकाल के आना, बिकॉज ये इतना बड़ा मेला है ना भाई, आपको पूरा दिन चाहिए ही चाहिए। यहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हो, खा पी सकते हो। तो चलो अभी चलते हैं हम खाने पीने वाली लोकेशन पर, यानी फूड इलाके में। तो आपको सारे दिखाते हैं कि यहाँ पर आप किस स्टेट के कौन कौन से फूड के आप इंजॉय ले सकते हो। अभी हम आ चुके हैं सरस फूड कोर्ट, और यहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश में लिखा हुआ है सरस फूड कोर्ट। और इसके जो रूल होंगे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको लेना होगा अपना बैंड, गेट योर बैंड, फिर आपको उसको टॉप अप कराना होगा,
साथ फिर उसको स्पेंड करना होगा एंड खाना पीना अपना स्टार्ट करना होगा। और ये कुछ स्टॉल्स होंगे अलग अलग स्टेट्स के, जैसे मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। जो सबसे पहले जो स्टॉल आता है वो है उत्तराखंड की तरफ से, तो उत्तराखंड में आपको क्या क्या देखने को मिलता है तो चलो चलते हैं और बताते हैं। तो ये स्टॉल नंबर 1 है उत्तराखंड वालों की तरफ से, और यहाँ पर आप देख सकते हो तंदूरी चाय 80 रुपये, स्प्रिंग पोटैटो 100 रुपीज़, रागी मोमोज 150 रुपीज़। तो आप वीडियो को पॉज करके ये पूरा ही मेन्यू पढ़ सकते हो। साथ ही साथ अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये हरियाणा वालों की तरफ से ये स्टॉल रहेगा, और आप देख सकते हो। और ये कुछ हरियाणा वालों की तरफ से जैसे मेन्यू है, दही बल्ले 100 रुपये, छोले भटूरे 100 रुपये, टिक्की चाय, टिक्की चाट 80 रुपये, नूडल्स 100 रुपये। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको भी पढ़ सकते हैं, ये कुछ इस तरीके का ये आइटम रहने वाले हैं। और इसके आगे चलते हैं तो यहाँ पर आपको महाराष्ट्र वालों की तरफ से स्टॉल देखने को मिलता है। महाराष्ट्र वालों में आपको क्या क्या खाने पीने को मिलता है, चाय मिलेगी, मिसल पाव, वड़ा पाव, भाई वड़ा पाव 50 रुपये का भाई यहाँ पर, वाव। और जुनका, बक्कर, देरदे, कैंडा भाजी, कांदा भाजी सॉरी 100 रुपीज़, बटाटा भाजी। तो ये कुछ इस तरीके के ये आइटम्स होंगे। साथ ही साथ आगे चलते हैं तो ये गुजरात वालों के तरफ से होंगे, और ये गुजरात वालों के आइटम आप देख सकते हो। और ये गुजरात वालों के ये मेन्यू होगा स्पेशल गुजराती थाली 200 रुपये, बैगन भरता एंड बाजरा रोतला 150 रुपीज़। तो आप ये भी वीडियो को पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं एंड प्राइस लिस्ट पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आगे की तरफ चलते हैं तो ये राजस्थान वालों का तरफ से आया, तो ये देखिए कुछ मेन्यू, तो ये कुछ होंगे भाई आइटम्स। और आगे बढ़ते हैं तो छत्तीसगढ़ की तरफ से आप देख सकते हो ये मेन्यू कुछ इस तरीके का होगा। चावल चिल्ला 50 रुपीज़, ये मूंग दाल चिल्ला 100 रुपीज़। तो आप यहाँ पर ये खाना पीना कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं तो ये असम वालों की तरफ से होगा, असम वालों की तरफ से आप देख सकते हो ये पूरा मेन्यू, और ये कुछ इस तरीके का स्टॉल होने वाला है। और साथ ही साथ ये होगा बिहार वालों की तरफ से। बिहार में भाई साहब स्पेशल एक ही चीज़ है, लिट्टी चोखा। अगर आप कभी भी बिहार जाते हो ना तो लिट्टी चोखा तो भाई हर जगह आपको खाने पीने को मिलती है, और वही लिट्टी चोखा आपको यहाँ भी खाने पीने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर ये मेन्यू है कुछ, लिट्टी चोखा 150 रुपीज़, पनीर चावल 200 रुपीज़। ठीक है भाई, तो ये कुछ बिहार वालों की तरफ से स्टॉल है। आगे बढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश, भाई मध्य प्रदेश वाले कहाँ गए, लगता है खाली हो गया भाई इनका भी। यह है उत्तर प्रदेश वालों का स्टॉल। उत्तर प्रदेश में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, सेव पूरी 100 रुपीज़, दही पूरी 100 रुपीज़, पानी पूरी 50 रुपीज़, भल्ले पापड़ी 100 रुपीज़। तो ये कुछ इस तरीके का ये स्टॉल रहेगा भाई। आगे बढ़ते तो हिमाचल प्रदेश, तो ये अभी खाली पड़ा हुआ है, ये शायद इनका आज का दिन का टाइम हो गया। और ये कुछ झारखंड वालों की तरफ से है, तो ये झारखंड वालों की तरफ से ये जो आपको मेन्यू है ये होगा कुछ गढ़वाली राइस पिट्ठा, चावल राइस पिट्ठा स्वीट, ब्रेड चॉप 50 रुपीज़। मतलब आसानी से आप यहाँ पर खाना पीना कर सकते हो, बिल्कुल सस्ता ही प्राइस है भाई, देख सकते हो। जैसे चावल राइस पिट्ठा है 100 रुपीज़, बहुत ही बढ़िया, कुछ इस तरीके के होंगे ये देखो, ये कुछ इस तरीके के रहने वाले हैं। और अभी हम आए हैं आपको लेके जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से, और यहाँ पर जो स्पेशल आपको देखने को मिलता है, स्पेशल डोगरी थाली 200 रुपीज़, राजमा चावल 100 रुपये, रोटी सब्जी राइस 150 रुपीज़। तो ये कुछ इस तरीके का स्टॉल रहेगा आपका जम्मू एंड कश्मीर वालों की तरफ से। आगे बढ़ते हैं तो ये होगा आपका तमिलनाडु की तरफ से, तमिलनाडु की तरफ से जो आपको मिलता है चीज़ मसाला डोसा 200 रुपये, पनीर मसाला डोसा 200 रुपये, बटर मसाला डोसा 180 रुपीज़। तो कुछ इस तरीके का मेन्यू रहेगा, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं पूरी डिटेल। साथ ही साथ अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये पंजाब वालों का हो गया भाई, ये मेरा भाई स्पेशल मतलब फेवरेट वाला भाई ये कुछ स्टॉल रहने वाला है। तो बाकी बात करें जाए यहाँ पर आपको क्या क्या खाने पीने को मिलता है, तो मक्की की रोटी, छोले भटूरे, राम लड्डू। भाई मक्की की रोटी अगर खानी तो 150 रुपीज़, छोले भटूरे 100 रुपीज़, राम लड्डू 100 रुपीज़। ओके बहुत ही बढ़िया, तो कुछ इस तरीके के यार ये आइटम आएंगे। महाराष्ट्र वालों की तरफ से फिर से आ गया भाई पानी पूरी, पाव भाजी, मिसल पाव, डबिली। तो सेम वही प्राइस है यहाँ पर, ये 16 नंबर है। फिर ये छत्तीसगढ़ वालों का आ गया फिर से, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ वालों का अनार शाह, खुरमी, ठेठरी, मूंग वड़ा, उड़द वड़ा। तो कुछ इस तरीके का ये प्राइस होगा, तो आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ ये कुछ इस तरीके के आइटम होते हैं भाई, यह डिज़ाइन बड़ा अलग है भाई, ये देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है भाई ये डिज़ाइन, ये देखिए। और ये है केरला वालों की तरफ से, और केरला वालों की तरफ से जैसे ये
केरला जूस है, ऑरेंज जूस 100 रुपीज़, एप्पल जूस 150 रुपीज़, पाइन एप्पल जूस 100 रुपीज़। तो आप पाउज करके वीडियो को बिल्कुल आप डिटेल ले सकते हैं प्राइस लिस्ट की। और आगे पढ़ते हैं, तो भाई आ गया फाइनली अब गोवा। तो भाई इस सीज़न में ना सभी के सभी गोवा जा रहे होते हैं, दिल्ली NCR के लोग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या क्या मिलता है भाई गोवा में। वेज थाली 150 रुपीज़, नॉन वेज थाली 200 रुपीज़, चिकन कैप्रिल 300 रुपीज़ चिकन। ये कुछ आइटम्स होंगे, तो आप वीडियो को पॉज करके पूरा डिटेल पढ़ सकते हो। तो ये गोवा वालों की तरफ से होगा। और ये असम वालों की तरफ से हम आपको दिखाएं, तो असम में क्या क्या है स्पेशल। टी हो गया, मसाला टी, असम अदरक टी, चिकन पॉप 150 रुपीज़। तो आप ये वीडियो को बिल्कुल पॉज करिए और पढ़िए सारे प्राइस लिस्ट। आगे बढ़ते हैं, तो ये आ गया नागालैंड। नागालैंड वालों की तरफ से आपको स्पेशल, तो भाई कहते हैं कि टी हो गया, चिकन हो गया, ये कुछ स्पेशल। बाकी बात करी जाए भाई क्या क्या है इनके पास आइटम्स। चिकन विद ड्राइड बम्बू सूट्स 250 रुपीज़, विद राइस यानी फिश विद बम्बू शूट 250 रुपीज़। तो ये कुछ इस तरीके का। बाकी ये क्या चीज़ है यार, कमेंट करके जरूर बताना इन्होंने ये क्या भाई लटका रखा है, बहुत ही बढ़िया। बाकी आगे बढ़ते, तो ये केरला वालों का फिर से स्टॉल आ गया, ये तेलंगाना वालों का स्टॉल आ गया। तेलंगाना में क्या है स्पेशल, चलो देखते हैं। तेलंगाना वालों का भाई ये है कुछ मेन्यू, 4 आइटम है सिर्फ स्पेशल। हैदराबादी चिकन डोम बिरयानी 250 रुपीज़, चिकन कबाब है 100 रुपीज़, एक वाटर बॉटल होगी, एक पार्सल चार्जेस 20 रुपीज़। वाह ठीक है। तो ये तेलंगाना वालों की तरफ से ये शॉप्स होंगी, तो कुछ इस तरीके से यार वाह यूनिक ही लग रहा है भाई ये। तो अभी हम आगे बढ़ के आए, तो अरुणाचल प्रदेश की तरफ से है ये, आप देख सकते हो। ये चिकन मोमोस 170 रुपीज़, वेज मोमोस 120 रुपीज़, वेज चुप्पा, ये कुछ इस तरीके से हैगा। तो अभी हम आ चुके हैं वेस्ट बंगाल वाले स्टॉल पर, आप देख सकते हो। और वेस्ट बंगाल के जो आइटम होंगे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके के। तो आप वीडियो को पॉज करके बिल्कुल सारी डिटेल पढ़ सकते हो। तो अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो फिर से जम्मू एंड कश्मीर, फिर आंध्र प्रदेश, राजस्थान। तो ऐसे ही कुछ सेम ये स्टॉल्स रहने वाले हैं चारों तरफ, आप देख सकते हो। ये कुछ चारों तरफ आपके स्टॉल्स रहेंगे। और अभी हमने जो आपको दिखाना स्टार्ट करा था कुछ इस तरीके से, वहाँ से कुछ ये कुछ स्टॉल्स थे, वहाँ से हमने आपको स्टार्ट करा था। और ये कुछ स्टॉल्स हैं यहाँ से, जैसे आप देख सकते हो, ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के आपको फूड जैसे खाने पीने को मिलेंगे। और सामने ही आपको प्राइस लिस्ट देखने को मिलती है, तो वहाँ से आप अपना प्राइस पढ़ के अपने बैंड को रिडीम कर सकते हो और अपना खाना पीना खा पी सकते हो। अभी जो हम आपको टेबल दिखा रहे हैं, यहाँ पर आपको सभी स्टेट्स के सारे फूड देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हो कितना ही प्यारे तरीके से यार ये पूरा रेडी करके आप सभी के लिए रखा गया है। तो देख सकते हो भाई, कहीं फल फ्रूट काट के रखे गए हैं, कहीं छोले भटूरे हैं, कहीं जलेबी फाफड़ा है, कहीं फ्रूट चाट है, कई छोले चावल हैं, कई राजमा चावल हैं। तो बहुत ही प्यारा भाई। तो हाँ जी दोस्तों, अब हमने फाइनली ये पूरा मेला एक्सप्लोर कर लिया, और साथ ही साथ आपको हमने इस वीडियो में सारी डिटेल बताई है इस मेले के रिलेटेड। तो ये मेला बहुत ही ज़्यादा शानदार है और इतना बड़ा है कि यार आपको घूमने के लिए पूरा दिन चाहिए। तो मैं तो आपको स्पेशल रिकमेंड करना चाहूँगा यहाँ आने के लिए। और अगर आप आ रहे हो तो फुल डे निकाल के ज़रूर आना। सुबह 11 बजे से ये मेला जैसे स्टार्ट हो जाता है, शाम के 9:30 बजे तक। तो बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं आपको ऐसे कुछ बढ़िया बढ़िया वीडियो के साथ। सो टेक केयर, टाटा बाय बाय।